कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं तो हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कॉपी हम घर पे भूल जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी कॉपी घर पे भूल जाते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी कॉपी घर पे भूल जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको चालान भी नहीं काटेगी। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे बहुत ही इजीली आप वहाँ से जा सकते हैं और आपका चालान भी नहीं कटेगा। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिजी लॉकर एक सरकारी डिजिटल लॉकर है, उसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कॉपी कहीं भी इसी डॉक्यूमेंट में लेके जा सकते हैं और ये ओरिजिनल की तरह ही वैलिड है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो आप उसको डिजी लॉकर में से आरसी कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, वो पूरी तरह ऑल इंडिया में वैलिड है और इससे आपको चालान भी नहीं कटेगी। ये दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड मोबाइल और iOS जो एप्पल के मोबाइल होता है उस पर। तो ये दोनों पे आपको डिजी लॉकर मिल जाता है। तो ऐप स्टोर पर आपको एप्पल के जो मोबाइल होते हैं iOS वो वर्जन आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, और एंड्रॉयड के लिए आपको प्ले स्टोर में जो डिजी लॉकर एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। उसको आप बहुत ही इजीली तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें जो इशू डॉक्यूमेंट है उसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी कॉपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड रख सकते हैं। वो पूरी तरीके से उसमें रखा हुआ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, ओरिजिनल की तरह ही होता है। उसको आप इजीली कहीं भी ओरिजिनल के तौर पर उसको दिखा सकते हैं और ये पूरी तरह वैलिड है। इसके अलावा आप 10 क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट या कोई भी ऐसा जो फाइल है वगैरह उसको आप अपना स्कैन करके अपने रिकॉर्ड के लिए आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। बल्कि उसमें स्कैन करके रखा हुआ आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सर्टिफिकेट उसको स्कैन करके रखते हैं तो वो आपके रिकॉर्ड के लिए होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता है। ओरिजिनल इशू डॉक्यूमेंट में रहेगा तभी वो ओरिजिनल के बराबर होता है। सुभाष, अगर आपको पुलिस कहीं पकड़ती है तो वो आप डिजी लॉकर में से आरसी कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस उसको निकाल के दिखा दीजिए, वो मान जाता है। अगर नहीं मानता है तो उसको बोलिए कि हमको लिख के देने के लिए हम नहीं मानते हैं। बल्कि वो जो आपको पहले तो वो लिखेगा नहीं, अगर लिख देता है तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप डिजी लॉकर का यूज करेंगे। प्ले स्टोर से आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट इसको आप ओपन कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद इसको आप ओपन करेंगे। ओपन होते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप अकाउंट बना रखे हैं तो यहाँ से साइन इन करेंगे। नया अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पे आधार कार्ड पे जो नाम है वो फुल नाम यहाँ डालेंगे। यहाँ पे मंथ, डेट मंथ हो ये डालेंगे। यहाँ मेल फीमेल चूज कर लेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपको एक पिन सेट कर लेना है। ये पिन आपको याद रखना है, इसी पिन से आपको लॉगिन होना पड़ेगा। यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल के यहाँ पे आपको सबमिट हो जाना है। अगर आप पहले से इस पे जो लॉगिन हो लिए हैं, अकाउंट बना चुके हैं, तो यहाँ साइन इन वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको साइन इन हो जाना है। अब यहाँ से अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन जो सेट किए थे वो पिन डाल के यहाँ पे आपको साइन इन हो जाना है। या आप यहाँ पे यूजर नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ यूजर नेम डालेंगे, पिन जो सेट किए पिन डालेंगे और यहाँ से आपको साइन इन हो जाना है। चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के जो पिन सेट किया हूँ वो पिन डाल के यहाँ पे मैं साइन इन हो लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले से इस पे अकाउंट बना रखा हूँ। साइन इन होते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डाल के आपको यहाँ पे सबमिट हो जाना है। यहाँ देखिए आप डिजी लॉकर में ओपन हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ इसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आएगा जो आप पहले से रख रखे हैं। तो आपको इसी डॉक्यूमेंट में ये ओरिजिनल के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, डिजी लॉकर इशू डॉक्यूमेंट आर एक्ट पर विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एस पर IT एक्ट। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC रख सकते हैं, ये ओरिजिनल के बराबर माना जाता है। अगर आपको कहीं पुलिस रोकता है और आप यहाँ से दिखा देते हैं तो ये यहाँ से वैलिड है, वो आपको 100% जाने देगा, आपको चालान भी नहीं कटेगा। अगर आप कहीं जाते हैं और
आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी भूल जाते हैं तो जो पुलिस आपको चालान काट देता है, तो आप यहाँ पे डीजी लॉकर में इशू डॉक्यूमेंट में से अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी दिखाते हैं तो वहाँ पे आपको चालान नहीं कटेगा। अगर पुलिस नहीं मानता है तो उसको बोलिए लिख के देने के लिए, तो वो पहले तो आपको लिख के नहीं देगा। अगर आपको लिख के देता है तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि डीजी लॉकर में इशू डॉक्यूमेंट में आप जो भी रखिएगा वो पूरी तरह से वैलिड है ऑल इंडिया में, और ये ओरिजिनल के बराबर होता है जो आप यहाँ ऊपर में पढ़ भी सकते हैं। क्लिक करते यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आप जो भी पहले से डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहेंगे वो सारे के सारा यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपना वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख सकते हैं जो आप खुद यूज करना चाहते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आपको जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके बाद कोई मार्कशीट हो गया, वो आप यहाँ पे उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप यहाँ पे स्कैन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपलोड डॉक्यूमेंट में स्कैन करके डॉक्यूमेंट रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट रखिएगा जो आप यूज करने चाहते हैं। यहाँ पे जो रखा हुआ डॉक्यूमेंट जो है अपलोड डॉक्यूमेंट में, ये ओरिजिनल नहीं होता है बल्कि ये आपके रिकॉर्ड के लिए होता है। आप खुद इसको यूज कर सकते हैं कहीं उसका प्रिंट आउट निकाल के। तो यहाँ पर आपको लिखा भी आ रहा है अपलोडेड डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी डेटेड एट पर विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब बोला जा रहा है कि ये जो इसमें रखिएगा स्कैन करके ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि आप इसको यहाँ से कहीं यूज कर सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के। तो यहाँ से देखिए थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर लिंक पे जाके इसको लिंक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई नाम डाल सकते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रीड नेम पे क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लिक करके मैं यहाँ पे कोई नाम, कोई भी नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ राजा, तो इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल के यहाँ पे ओके कीजिएगा तो यहाँ पे आपका नाम जो है ऐड हो जाएगा। सो गाइस ये होता है जो अपलोड डॉक्यूमेंट और इशू डॉक्यूमेंट। कोई भी आपको जैसे मार्कशीट हो गया 10 क्लास 12 क्लास या कोई सर्टिफिकेट हो गया, कोई डिग्री हो गया, उसको आप बहुत ही इजीली आप यहाँ पे अपलोड वाले पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे और जहाँ भी रख रखे हैं वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे आप कैमरा से अगर क्लिक कर रखे हैं तो वो फाइल जो आपको DCIM में आएगा इस पर क्लिक करके इसमें से निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं भी रख रखे हैं इसमें फाइल तो वो फाइल आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। जैसे मेरा फाइल यहाँ पे टेलीग्राम में है और यहाँ पे टेलीग्राम इमेज पे मैं रख रखा हूँ, इसमें ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे रख रखा हूँ फाइल, तो मैं कोई भी फाइल को इस तरीके से मैं इसमें से सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर अपलोड वाले पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका फाइल यहाँ पे देखिए अपलोड हो रहा है। यहाँ पे 5-10 सेकेंड के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी 3 है, कुछ देर के बाद यहाँ 5-10 सेकेंड के बाद यहाँ पे आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 फाइल आ चुका है। सो इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पे रखा हुआ अपलोड डॉक्यूमेंट में या आपके रिकॉर्ड के लिए होता है, आप अपना यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रखा जो है डॉक्यूमेंट या कोई फाइल ये ओरिजिनल नहीं है, आपको इसके लिए ओरिजिनल के लिए यहाँ बैक आएंगे और यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी फाइल आप इसमें रखना चाहते हैं वो यहाँ से पूरी तरह वैलिड है ऑल इंडिया में। तो यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके आप यहाँ पे कोई फाइल यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ पेन, तो इस तरीके से यहाँ पे पेन सर्च करेंगे देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, एग्रीकल्चर साइंस आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपका पेन नंबर यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पे देखिए अपना जो भी पेन पे नाम है वो डाल के यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप कुछ भी जो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ CBSE। यहाँ पर देखिए बोर्ड का नाम आ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पर देखिए एजुकेशन से संबंधित आ चुका है। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पर देखिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट इसमें रखना है इशू डॉक्यूमेंट में उसको आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे 10 क्लास का माइग्रेशन रख सकते हैं, यहाँ पे 10-12 क्लास का जो है पासिंग सर्टिफिकेट रख सकते हैं, नीट रैंक लेटर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है जो आप यहाँ पर इशू डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर रखना चाहता हूँ यहाँ पर क्लास 10 मार्क्सशीट में इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डालना है कोई कब आप पास हुए थे, इसके बाद रोल नंबर डाल के गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे 10 क्लास का मार्कशीट है वो आपको इशू डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा और ये आपका ओरिजिनल है। कहीं भी आप इसको ओरिजिनल के तौर पे इसको दिखा सकते हैं और ये पूरी तरह ऑल इंडिया में वैलिड है। सो इस तरीके से यहाँ पे आप जो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी नाम डालिएगा वो आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ मिनी,
जैसे देखिए मैं यहाँ पर डाला हूँ मिनी, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ रोडवे ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ व्हीकल टैक्स रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन व्हीकल का कोई भी जो गाड़ी का गाड़ी घोड़ा का होता है आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस आप डाल सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे और यहाँ गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए व्हीकल इंश्योरेंस भी आप इसमें रख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर जिसका भी सॉन वाइफ और डॉटर का जो भी नाम है मतलब व्हीकल का वो डालेंगे और यहाँ पे चेसिस नंबर डाल के यहाँ गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पे चेसिस नंबर डाल के इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत ही ईजिली यहाँ से आप जो है अपना रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे आप अपना इशू डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट में रखिएगा तो वो ओरिजिनल रहेगा और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में जो भी रखिएगा वो आपके रिकॉर्ड के लिए रहेगा, वो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से हम डिजी लॉकर का यूज करते हैं। इशू डॉक्यूमेंट पे हम जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आखिरी कॉपी रखते हैं वो ओरिजिनल होता है और ये पूरी तरीके से वैलिड है। इसके अलावा आप स्कैन करके कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप रखते हैं तो वो अपने रिकॉर्ड के लिए होता है, आपको अपने यूज करने के लिए वो होता है, वो आप सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं, वो ओरिजिनल के बराबर वहाँ पर नहीं माना जाएगा। आपको ओरिजिनल के बराबर वो तब माना जाएगा जब वो इशू डॉक्यूमेंट में रहेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।